प्रेमिका के रूप की प्रशंसा फौजी करता था तेरी नजरों में तो राकेट का निशाना है हाय 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 क्या बात है भाई वाह 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 प्यार के दीप जल रहे होंगे और ख्वाब करवट बदल रहे होंगे क्या बात है वाह और तू तो भी तैयार हो के चल शबनम वो भी घर से निकल रहे होंगे मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलू मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलू।, निकलू कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। आइए प्रेमिका के रूप की प्रशंसा प्रेमी कैसे कैसे कर सकते हैं जी एक फौजी अपने प्रेमिका के रूप की प्रशंसा कर रहा है अच्छा फौजी की प्रेमिका प्रशंसा कैसे हाँ। प्रेमिका के रूप की प्रशंसा फौजी करता था, तेरी में तो राकेट टिका निशाना है आए, 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 क्या वा, 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 वा। प्रेमिका के रूप की प्रशंसा फौजी करता में तो राकेट टिका निशाना है गोल गोल गाल तेरे हथ गोले जैसे लगे भाव है जैसे एक फोर्टी सेवन को ताना है क्या बात है कि गोल-गोल गाल तेरे हथ गोले जैसे लगे भाव है जैसे एक फोर्टी सेवन, सेवन को ताना है तेरी ये जवानी लगे बारूदी सुरंग जैसी गर फट जाए तो तबाही मच जाना है, <स्त्ति> है, 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 है। क्या बात है जवानी लगे बारूदी सुरंग जैसी गर फट जाए तो तबाही मच जाना है मैंने कहा फौजी तेरी प्रेमिका का रूप लगे जैसे हथियारों का अवैध दे रहा हूं आपको जी पत्नी महिमा कि पतियों की कोई औकात नहीं क्या कह डाला है पत्नी महान है जय बोलो पतियों की कोई औकात नहीं, पत्नी, पत्नी, महान नहीं, नहीं पत्नी महान है जय बोलो बेलन की हो बरसात नहीं पत्नी महान है जय बोलो बेलन की हो बरसात नहीं पत्नी महान है जय बोलो और शक्ति देखिए आकाश उठा सकती सर पे आकाश उठा सकती सर पे तूफान को ला सकती घर पे पर्वत को नचा सकती कर पे क्या बात है ये छोटा बजरा घात नहीं इसलिए सदा ही जय बोलो जय पतियों की कोई ओ, तात तात नहीं पत्नी, पत्नी महान, महान है जय बोलो।, बोलो पति रात दिनो करता मेहनत बेचारा तुम रात दिनो करना मेहनत हाँ। घर गिफ्ट न लाए तो आफत घर गिफ्ट न लाए तो आफत साड़ी जेवर से है राहत पूरी ना हो मांग तो बात नहीं पत्नी महान है जय बोलो और अंतिम बंद पति पुलिस कलेक्टर अफसर हो हाँ। सोहाथी सा ताकतवर हो हाँ। सोहाथी सा ताकतवर हो पत्नी के आगे वानर हो पत्नी के आगे हो। वानर वानर हो, हो। चूहा दे, दे शेर को मात नहीं पत्नी, पत्नी महान है जय बोलो आप पतियों की कोई औकात नहीं पत्नी, पत्नी महान है जय बोलो बेलन की हो पर नहीं पत्नी महान है जय बोलो बोलो भाई क्या बाद है चार पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुंचाती हूं आप थोड़ी थकी हुई है अब मुस्कुरा मुस्कुरा जिंदगी में बड़ा जरूरी है यू कहा है कि प्यार के दीप जल रहे होंगे प्यार के दीप जल रहे होंगे प्यार के दीप जल रहे होंगे ख्वाब करवट बदल रहे होंगे और तू भी तैयार हो के चल शबनम वो भी घर से निकल रहे होंगे वाँ 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 वाँ। क्या तुम्हें यहाँ मुझे याद आती है एहसास की बात करती हूँ आप तक पहुँचाती हूँ कि वो मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह रहता है

क्या पंक्ति थी? वो मेरे दिल में नवाबों की तरह है। और सर्वेश तो ने मुझे कहा था हाथ से कभी इसका ये भी कर सकता है बड़ी मोहब्बत से बुलाई गई हूँ मोहब्बत का इजहार करती हूँ लेकिन जब मोहब्बत में जुदाई शामिल होती है तो एक गीत लिखने का प्रयास किया है आप तक पहुँचाती हूँ स्वागत तेरी याद सजन जब आए मेरा मन व्याकुल हो जाए सद सजन जब आए मेरा मन व्याकुल हो जाए धीरज छूट छूट जाए धीरज छूट छूट जाए क्या बात है तेरी याद सजन जब आए मेरा मन व्याकुल हो जाए क्या बात है धीरज छूट छूट जाए धीरज छूट छूट जाए और बंद देखिएगा जी कि सुन सुने, सुने द्वार है सुनी है चरपैया है सुन सुने द्वार है सुनी है चर पैया जीवन तपती धूप है जिसमें नहीं है छैया पपिया पपिहा पी पीहू पी जब गाए कोयल मीठे गीत सुनाए धीरज छूट छूट जाए धीरज छूट, छूट छूट जाए तेरी याद सजन जब आए वर्षा की रुत आ गई बागन आई बहार वर्षा की रुत आ गई बागन, बागन आई बहार तुम बिन मेरे सांवरे कैसे करूं सिंगार ये धरती ये धरती जब जल थल हो जाए भाभी बाद मेरे के छुड़ाए धीरज छूट छूट जाए धीरज छूट छूट जाए तेरी याद सजन जब आए और गीत का आखिरी बंदा आपके हवाले करते जी, जी, और रिम झिम रिम झिम हर तरफ महकी पड़े फुहार रिम झिम रिम झिम हर तरफ मेह की पड़े पुहार। फूलों पे भी आ गया शब नम आज निखार ये बादल ये बादल बादल से टकरा चमक रह जाए, धीरज चूर, 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 जाए, तो हमसे कोई प्रेम नहीं करता मैं बहुतों से प्रेम करता <laughs> और कोई हमको देखता नहीं मैं मन में सोच लेता सिर्फ मैं किसी को देखता हूँ तो सोच लेता हूँ क्या हो सकता है तो मैं चार पंक्तियां देता हूँ जी जी कि मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए मैं अक्सर सोचता हूँ मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलू मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलू कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए चार पांच साल पुरानी घटना है मेरी शादी नहीं तय हो पा रही जी। ये आपको पता है आप तो सिर्फ पांच साल पहले वो, वो चलिए साथ कर लो राजते हैं पांच सात साल पुरानी घटना मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी उसी से कविता बनी सुनिएगा की पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया राघवें जी ताली आ, वाली बजाना पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा खरीद वाले में छापा। ओहो, खरीद बिक्री वाले मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया मैं आपको बता दूं सारे दर्शकों को कि निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस <स्या> <स्या> <थे। स्याव> <स्याव> अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी अपने अपने जोर आजमाने लगी एक में था माल कितना पुराना <laughs> एक, में था, माल में कितना कितना है। एक में था माल कितना पुराना है दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन <laughs> पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन पिताजी पिताजी को को लगा को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आओ अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई कई किराएदार आए कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए अच्छा कई किराएदार आए कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए एक किराएदार से पिताजी ने पूछा महोदय कौन है आप वो बोला एक किराएदार से पूछा महोदय कौन है आप वो बोला पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा के लिए खाली है। क्या बात आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरी के बेटा किराए के लिए खाली है हालांकि मैं आपको मांगी रकम कभी नहीं दे लेकिन लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेच कर कम से कम साल दो साल के लिए किराए पर अवश्य ले, ले पाऊंगा आप मुझे हताश मत कीजिएगा इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा भले साल दो साल के लिए ही सही पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा बाँग 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 किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी बहुत अच्छा सब आप किराया बढ़ा दीजिएगा सब आप किराया बढ़ा दीजिएगा अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह बेटे को किराए पर उठाने लगे भाई क्या बात? तो भाइयों बहनों अब मैं इस तरह जी रहा हूँ तो भाइयों बहनों अब मैं इस तरह जी रहा हूँ दहेज लोभी बाप का बेटा होने का खामियाजा भुगत रहा हूँ और रोज हर साल हर रोज किराए पर उठ रहा हूँ किराए क्या पर किराए पर उठ रहा हूँ चलते चलते एक शेर कहना चाहता हूँ